खोराबार थाना क्षेत्र के गायघाट बुजुर्ग निवासी रामेश्वर निषाद का 5 नवंबर को मछली मारने के दौरान नदी में डूब जाने की सूचना मिली। काफी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं लग सका, जबकि उसके साथ के 2 व्यक्ति किसी तरह डूबने से बच गए। ग्रामीणों की माने तो रामेश्वर निषाद की डूबने से मौत हो गई है, लेकिन उसका शव अभी तक नहीं मिला है। ग्रामीण प्रशासन से शव निकालने की गुहार लगाते रहे, लेकिन इन लोगों की एक नहीं सुनी गई, जिसको लेकर मंगलवार को गायघाट बुजुर्ग के निवासी ग्रामीणों ने सदर सांसद प्रवीण निषाद के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 4 लेन पर जाम कर दिया, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया। दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। घटना की सूचना पर खोराबार पुलिस मैफोर्स से साथ पहुंची, लेकिन ग्रामीण शव मिलने तथा मृतक परिजनों के मुआवजे की मांग करते रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDM प्रशासन प्रभुनाथ, SDM सदर प्रथमेश कुमार, SPCT विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की मांग को पूरा करने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद प्रवीण निषाद ने बताया, आपकी रोड जाम करने से तुरंत आ जा रही है, सूचना कल की दी हुई है, प्रशासन की पूरी भैया सिक्योरिटी दो भैया, साथ लगेगा सिक्योरिटी भी रखो। पुलिस तो कल ही से है, कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे SDM महोदय से बात, अब जा रही अभी भी बात हुआ है तत्काल, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। भैया 24 घंटा हो गया भैया, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हो सर। मेरा भाई रामेश्वर नाम है, नदी में डूबा है, कल से 3 बजे कल शाम को डूबा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। पुलिस वाले आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं वहां पर रुक रहे हैं सर। हम लोग कोई सुनवाई नहीं, हम लोग फोन भी कर रहे हैं सर, अभी 2 मिनट 4 मिनट कल से 2-3-4 मिनट अभी तक हुआ ही नहीं है सर। मच्छी मारने के लिए उसमें घुसा है सर, उसमें डूब गया है सर, 3 बजे कल 3 बजे का। एक हमारी महिला कार्यकर्ता थी, उनका बच्चा डूबा हुआ है और कल 3 बजे ये घटना है, और कल 3 और तकरीबन 3:30-4 बजे हमको सूचना मिली। हम और छोटे भाई जो हमारे हैं लगातार प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं, SDM महोदय भी कह रहे हैं कि NDRF की टीम जा रही है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन आज 12 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 12 से क्या 24 घंटे के करीब होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पे नहीं। 2 सिपाही वहाँ पे कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, वो मतलब हमारे मृत जो डेड बॉडी है उसको भी खोजने का प्रयास नहीं कर रही है प्रशासन। ये CM का क्षेत्र है, ये गृह जनपद है उनका, और यहाँ पे प्रशासन की ऐसी लापरवाही अतुलनीय है। ये मतलब ये आशा भी नहीं की जा सकती कि गृह जनपद में ऐसा हो सकता है। हमारे साथ दुर्घटना होती है, हमारे साथ घटना होती है, तो सरकारी अमला हमारी सेवा के लिए तैनात है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेवा हमको और इस गोरखपुर क्षेत्र की जनता को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। आज हम लोग यहाँ पे सड़क के जब ग्रामवासी और क्षेत्रवासी जब ये 4 लेन को जाम कर दिए, तब जाके प्रशासनिक और पुलिस अमला अभी जागा है, लेकिन अभी भी प्रशासनिक अमला सोया हुआ है। अभी SDM महोदय से बात हो रही है, ये कल ही से कह रहे हैं कि अभी NDRF की टीम भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं, हमारी भी बातों का अनसुना करते हुए प्रशासन आज काम कर रहा है।